शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चल खाता निकाल, हिसाब किताब कर ले। हाँ बोल, कहाँ से कितना? ये सब्जी वाले पांडे का 1,000, ऊपर से 1,500 ब्याज, इसको खत्म कर दे। क्या? अरे इसका खाता खत्म कर दे। और ये दया कसाई का 3,084.50। और हाँ हाँ देख, ये चपरासी सतीश के 8,000 हैं, लेकिन इसको लेन देन की बही में नहीं, इसको रिश्वत की बही में डाल। इसे मैनेजर की तरक्की चाहिए। अरे इसमें 102 रुपया कम है। अच्छा तो मुझे क्यों दम देता है? ये पैसा इस चांडाल का है, तेरा थोड़ी है। तू कागज चल, उंगली चला, मेरे मामले में उंगली मत कर। एक तो साला पुलिस की पगार लेता है, ऊपर से रिश्वत खाता है और उतार जैसे चढ़े ब्याज उसको चलाता है। मतलब बकरा बकरा हजम और बकरी पे दम। ये नरक तो जाएगा ही और साथ में गले में लटका के ले जाएगा क्या पैसा? ये मारू ने 102 रुपया कम लाया है। 102 रुपए कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा? वसूली करने गया था तो 60 रुपया ऑटो का आने जाने का। ऑटो जान से मार दूंगा। पैसे दिए ठीक है, हाल पटाखे का और शौक नवाबों के। मेरी बहन ने हाथी जैसे पैर दिए हैं मुफ्त में, तो वो गले में टांग कर सड़क पे भीख मांगने के लिए नहीं। बाकी के पैसे कहाँ गए? कहाँ गए बाकी के? धमकाने में जरा जोर आया, उसके लिए नाश्ता कर लिया। नाश्ता? 1 केले का 2 रुपया, कटिंग चाय का 2 रुपया होते हैं 4, बाकी के पैसों से दिवाली मना रहा था तू? ए सुन चौधरी, 1 हफ्ते के लिए इसका खर्चा पानी बंद। मर जाऊंगा मामा। हवा बंद नहीं की है मैंने तेरी, नौटंकी कहीं का। चल पान के गले पे बैठ। पान? और सुन, गिन के रखे हैं पान, एक भी पान चबाएगा तो मैं तुझे चबा जाऊंगा। और सुन, कल से वसूली पे तू जाएगा। अरे सुन, एक कॉफी लाना यार। वो अपना परेश है ना, यहाँ का वेटर था ना सारा। हाँ बोलूंगा। बाइक शर्ट टाई यार, इतनी चमक दमक आई कहाँ से? ए परेश इधर आ, 1 कोल्ड कॉफी। ये नया अवतार क्या बे? लोगों के झूठे बर्तन उठा उठा के मेरा क्या भला होने वाला था, इसलिए मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया। वाओ, क्या बिजनेस है? हार्डवेयर की दुकान खोली है। पैसा कहाँ से लाया बे? डाका डाला? बैंक ने दिया। बैंक में जाओ, लोन की अर्जी भरो, पैसा तुम्हारे हाथ में। मतलब कोई भी मुंह उठा के बैंक से पैसा मांगता है और वो मिल जाता है? बैंक है कि शिरडी के साईं बाबा। सिर्फ तुम्हारे पास एक दुकान होनी चाहिए। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक दुकान चाहिए अच्छे इलाके में। बैंक तुमको लोन देगी 4 लाख, उसमें से 2 लाख कंपनी को दे दो डिपॉजिट के तौर पर। फिर किसी भी कंपनी में जाओ, साबुन किराना स्टेशनरी किसी भी कंपनी में। ओके, कंपनी तुमको माल देगी 5 लाख का। आजकल लोग किसी भी चीज़ को इतनी तेजी से खाते हैं जैसे भूख की दीमक लकड़ी को। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा माल बेचने में। मुनाफा है 20%, तो महीने की आमदनी कितनी हुई? 1 लाख। बैंक लोन कितना है? 4 लाख। हाँ, तो 4 महीने में लोन चारों खाने चित, 5वें महीने में दुकान तुम्हारे पास, 6ठे महीने में 1 लाख तुम्हारे पास होगा और 7वें महीने में। बस बस भाई बस, जरा फिर से बताओ क्या क्या करना पड़ेगा? लोन के फॉर्म्स भरो, साइन करो, फिर दुकान के कागजात, जेरोक्स, राशन कार्ड, पासपोर्ट के 10-12 जेरोक्स बना के एक मस्त फाइल बनाओ और बैंक को अपने नेक इरादे बताओ। जी हाँ, मिल जाएगा। आप इस फॉर्म पे सिग्नेचर कर दो, दुकान के कागजात ले आओ और पैसा ले जाओ। लेकिन ये दुकान कागजात किस दुकान से मिलेंगे? बेअकली के। अच्छा नाम 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 क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। थूक उतर आया ना औकात पे, अपनी पान की दुकान का नाम रखना थूक। पैसा 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 कहाँ से आएगा? मामा मामा एक झेला नहीं देगा। तुम्हें पैसा चाहिए तो मुझे बेच खाओ, मुझे गिरवी रखो, लेकिन मामा का नाम मत लो। अरे मुर्दे के मुंह से दांत निकालने वाला चांडाल है वो तुम्हें पैसा देगा? ऐसा सपना देख रहे हो? तो तुम्हारे मुंह पर पानी फेंक मारता हूँ मैं। अरे सुन तो, मैंने पहले ही बोला था ये साला मानेगा ही नहीं। अरे कब तक मामा का थप्पड़ तू खाता रहेगा? और वो हरामी घर की चिपकली को तुझसे ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसका कोई खर्चा नहीं। तू मरेगा भी ना उसके लिए तो वो तुझे जलाएगा नहीं, जंगल छोड़ाएगा क्योंकि उसके पैसे बचते हैं। हाँ, और ये सब क्यों? क्योंकि तू उसका गुलाम है। तू हमारा पार्टनर बन जा, महीने के 25,000 रुपए, सोच ले साल का कितना होगा। अरे पैसा मतलब इज्जत, इज्जत मतलब शोहरत, बड़े बड़े कमिश्नर नेताओं के साथ उठना बैठना होगा, उनके सामने वो तुम्हारा मामा एक छछुंदर लगेगा। सोच ले,
पैसे की चमक से चमचमाता हुआ तू सीना फाड़ के जब वो फटीचर मामा के सामने खड़ा होगा तो कैसा लगेगा? सोच सोच। बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गिरवी रखेगा क्या? चार जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? है। क्या? मेरे पास एक प्लान है। क्या नाम बताया? सुनील नाहटा। क्या लगता है वो तेरे दोस्त का? जीजा। बड़ी नौकरी, बड़ा घर, बड़ा आदमी मामू। लेकिन मैंने साफ बोला कि धंधे यारी में कोई दोस्ती नहीं, कि साथ दे साथ ले। क्या ताली? नहीं मामू, गहने, सोने हीरे के गहने, गहने अपने पास और पैसे उनके पास, पैसे नहीं लौटा पाए तो तेरे बड़े दोस्त की बड़ी कब्र बना दूंगा, याद रखना समझे। रिश्वत का पैसा मजाक नहीं होता, ईमानदारी के पैसे में सिर्फ मेहनत लगती है, रिश्वत के पैसे में मेहनत और जोखिम दोनों लगते हैं, समझे। मामू कुछ गड़बड़ हुई तो गहने बेच के पैसे वसूल, बोलो कबूल। पहले घर देखूंगा फिर तय करूंगा, अगर कुछ झोल निकला तो तेरी पाइपलाइन गोलियों से भर दूंगा। पैसे किस भरोसे दे रहे हैं वो? गिरवी क्या रखा है? मारू। मारू के मामा है, बहुत अच्छे इंसान है। हमने बिजनेस करने की क्या सोची, उन्होंने तो कर्जा देने की ठान ली। हमने बहुत मना किया तो बोले चलो ब्याज पे ले लो। हाँ लेकिन हर हफ्ते ब्याज देना पड़ेगा। उसकी फिक्र क्या दीदी, धंधे का पैसा बरसने लगेगा तब तक। दो चार छींटे अपने जीजू पर भी उड़ा देना, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। हट जरा। दीदी वो हमारी इतनी मदद कर रहे, जरा अपने हाथों से मिठाई दे देना प्लीज। 2 किलो की है, सोने का वर्क है। अच्छा हाँ। पहले तो मिठाइयाँ चांदी के वर्क में हुआ करती थी। अपने हाथों से ये मिठाई उन्हें देना और उनसे पैसे लेके हमें देना आशीर्वाद के साथ, उसी के लिए तो हम यहाँ आए। डोर आ गया, चलो चलो आ गया हरामी। नमस्ते। घर तो अच्छा है, सामान इनका है या भाड़े पे लाए? इनका अपना है मामा जी। आप बैठी ना, बैठी ना, मैं दीदी को बुला के लाता हूँ। दीदी दीदी। ये दोनों कौन है? दोनों इंसान है। मुझे तो शैतान लग रहे हैं। दोस्त, ये और वो, तीनों दोस्त। रोकड़े लाया हुआ है, ब्याज देना पड़ेगा हर हफ्ते पूरे 10%। जिस दिन ब्याज चुके उस दिन सोना गायब। दीदी ये मामा जी, मामा जी ये दीदी जी। नमस्ते जी। आप बच्चों की इतनी मदद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। खुशी तो मुझे भी है, ब्याज जो लेने वाला हूँ। आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है, बच्चे आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। दीदी दीजिए ना, बॉक्स दीजिए। लीजिए ना। अच्छा, कितना है? दो किलो। 2 किलो सोने का है ना? हाँ हाँ, वक सोने का वक। हाँ सोने का ही है, आजकल चांदी का जमाना तो गया। थैंक यू। ये लो, ये आप अपने पास रखिए ना, आप कॉफी ले आइए ना मामा जी के लिए प्लीज। पंकज आप ले आइए ना, आप रखिए कॉफी। ये रहा एग्रीमेंट और ये दुकान की चाबी। अब 1 साल के लिए दुकान आपका, चाहे धंधा करो या भजन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो 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 नो, मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं आप? आपके पहले एक टकलू मैनेजर था, उसने कहा शोरूम के कागजात दिखाओ और लोन लेकर जाओ। हाँ वो टकलू था, मैं नहीं हूँ। मामा का लोन कैसे चुकाएंगे? ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने भारी ब्याज पे शोरूम के लिए रकम उठाई है। देखिए अगर आपने लोन नहीं दी तो हमारी जिंदगी बेरंग हो जाएगी, प्लीज देखिए। मैं लोन नहीं दे सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। क्यों? ये बैंक तेरे चाचा की है। गेट आउट यू फूल्स। क्या हुआ?
अबे रुदाली की डिंपल बन के क्यों आया? किसने मारा? अरे तू बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? बोल किसे मारा साले की खाल उधेड़ देंगे बोल। अबे नाम तो बता। मामा तुम सबकी तंगड़ी कबाब बनाने वाला है, जब तक तुम उसका पैसा वापस नहीं कर देते तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता। अबे नहीं करते मतलब क्या? अबे जैसे हम पैसों के अंडे पे बैठ के उसे उबा रहे हैं, बात करता है कमीना। मेरे नीचे क्या आग लगी हुई है पता है? वो राक्षस दवा खाने ले गया था मुझे। अबे तो वो तो अच्छी बात है ना? ये तो अच्छी बात है ना। अबे काटना मत, मेरी किडनी बेचने निकला था वो। निकाल ली वो तो पीठ दिखा के मैं भाग गया। अब देखना साला तुम्हारे आंख कान नाक नाखून सब कुछ उखाड़ के अपनी खाली दुकान फुटकर के भावना बेचे तो तुम लोग देखना, तुम लोग देखना। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेना देना? अबे तू बोला ना कुछ बोलो तो बोल दिया, और भी कुछ बोलूं? अबे देख 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 कौन है? मामा कौन है? हीरो आया? ए शूटिंग है क्या? ए बोलना, ये तेरा मजनू दोस्त है ना? हाँ। घर आया था अपनी लैला के साथ। अरे गोपी, ए हाय। अरे तू यहाँ? मेरा ऑफिस ऊपर ही है यार। ओ यहाँ पे? बाय द वे हाँ हमारी शादी हो गई यार। अरे अरे ये गाड़ी भी तेरी है यार? तेरे को ये खजाना मिला कहाँ से यार? ससुर से। अरे वो तो तुम्हारी जान के पीछे था। हाँ। शादी के बाद बदल गए, अब उनका कारोबार भी मैं ही देखता हूँ। कमाल है यार, तेरा ससुर आदमी है कि सिक्का, इतनी जल्दी पलट गया। एक बार शादी हो गई फिर किसी भी माँ बाप के पास क्या चारा रहता है, उन्हें मानना ही पड़ता है। वेल कभी तुरंत तो कभी नाना नानी बनने के बाद, लेकिन वो पिघलते जरूर हैं। थैंक्स फॉर द सपोर्ट पकिया, चल मिलते हैं। ओके बाय गाइस, बाय बाय। इसे कहते हैं कुंडली के सारे घर सर पे सवार होना। अबे ये कुंडली उंडली सब बंडल है यार, हिम्मत है बंदा तो मदद है खुदा। मर्दा। हाँ वही बंदा। और वैसे भी इस थकेले गोपी ने कौन सी हिम्मत कर ली? अबे अमीर लड़की को पटाने की, भगवान ने उसका साथ दिया ना, देख उसकी लाइफ 7 स्टार हो गई। मतलब हमें भी एक चलना आधी अधूरी अमीर लड़की मिलेगी तो हमारे भी निकल पड़ेगी। हाँ लेकिन लड़की टपकेगी कहाँ से? आसमान से? अबे खटमल खटिए पर बैठे बैठे ठेंगा कुछ होने वाला है, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा, थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी फिर देख। वो जरूर एक सही लड़की टपकाएगा आसमान से।